हेलो दोस्तों, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आज हम इस वीडियो में वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मन मोहने वाली मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर कई सारी झांकियाँ भी हैं जो कि श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर शाम के समय म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है। अगर आप कभी मथुरा वृंदावन जाते हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी जी के दर्शन के अलावा आप प्रेम मंदिर भी ज़रूर जाएं। इस मंदिर का निर्माण जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने साल 2001 में शुरू करवाया था और 11 साल के बाद साल 2012 में ये मंदिर बनके तैयार हुआ। ये पूरा मंदिर इटली के संगमरमर का है। इस मंदिर में दो फ्लोर्स हैं। नीचे वाले फ्लोर पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और ऊपर वाले फ्लोर पर सीताराम जी की। मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है, इसलिए मैं आपको वीडियो में ये मूर्तियां तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मंदिर के बाहर खूब सारी झांकियां हैं जिसमें श्री कृष्ण की सारी लीलाएँ दर्शाई गई हैं, जैसे कि इनका गोपियों के साथ नृत्य या फिर राधा कृष्ण जी का प्रेम, श्री कृष्ण का माखन चुराना या फिर पूतना वध, इनका गोवर्धन पर्वत उठाना या फिर कालिया नाग के ऊपर नृत्य करना, ऐसी कई सारी झांकियां आपको मंदिर के अंदर देखने को मिलेंगी। ये झांकियां इतनी सुंदर हैं कि आप इन्हें देखते ही रह जाते हैं। इस मंदिर में खूब सारे सुंदर फूल भी हैं जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं, और रात के समय इस मंदिर पर अलग अलग कलर्स की लाइट्स पड़ती हैं जिससे कि इस मंदिर का कलर चेंज होता रहता है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स की लाइट्स पड़ने से ये मंदिर कितना सुंदर दिखता है। शाम के समय यहाँ पर एक म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है जिसे देख के बहुत अच्छा लगता है। इस फाउंटेन शो में अलग अलग तरह के पानी के फव्वारे चलते हैं जिन पे अलग अलग कलर्स की लाइट्स पड़ती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर पानी के ऊपर वीडियो का प्रोजेक्शन होता है और राधा कृष्ण जी के भजन चलते हैं। ये दृश्य काफ़ी अद्भुत होता है। तो ये है मथुरा वृंदावन का प्रेम मंदिर, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो प्रेम मंदिर ज़रूर जाएं। राधे राधे।